एक कोर्स की फीस में तीन कोर्स, बिल्कुल सही। आज ही ज्वाइन करें सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर क्लास। BCA, PGDCA और CPCT कोर्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबंधित सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर सेंटर। हमारा पता है बिहारी जी मंदिर, वार्ड नंबर 5, बक्सवाहा। हमें संपर्क करें 8770614601। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। आज की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। बक्सवाहा ब्लॉक में बनी गौशालाएं सिर्फ नाम के लिए बनी हैं। बता दें कि बक्सवाहा ब्लॉक में 4 गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत संचालित कर रही है, पर इन गौशालाओं में ना तो चौकीदार हैं, ना ही खाने पीने की व्यवस्था है गायों के लिए। सिर्फ टीन सेट है और उनमें ही इन गौशालाओं में उनके लिए डाल दिया जाता और सुबह निकाल दिया जाता है। सिर्फ छत है और टीन सेट जिनके लिए रात में छुपने के लिए गायों के लिए इनमें व्यवस्थाएं हैं, बाकी ना इनमें चारा पानी है और ना कोई व्यवस्था है। यहाँ के जब लोगों से हमने बात की तो वहाँ जो लोग हैं उन्होंने बताया, साथ ही जिम्मेदारों ने बताया कि यहाँ 4 गौशालाएं हैं पर उनमें कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण। चारा पानी की व्यवस्था पे कुछ नहीं है अभी तो। ये जो जंगल में है ना हरियर जो ले जाते हैं तो वहीं से चर के आते हैं, बढ़िया फर जाते हैं। अभी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। चौकीदार वगैरह? चौकीदार भी अभी चौकीदार के हुए नहीं हैं। आप किस पद? बरेदी? बरेदी हैं बस का खाली, चौकीदार ही नहीं। अपन तो सुबह से निकल गए, ढोर चरा के आना, फिर अपन को पेड़ देना, कोई फुर्सत नहीं, तार ताला लगा के अपने घर में है। चौकीदार अपन है नहीं, अपन तो बरेदी हैं। एक गोबर डाल में लगी और एक बरेदी लगो, बस दो आदमी, चौकीदार है नहीं अभी। और जो गायें हैं आती हैं उनके लिए चारा पानी वगैरह की व्यवस्था है? अब सब तेल तो पटो नहीं जाओ, अब अभी बरसात में अब तक कम पड़ गया जरूरत, अब जरूरत पड़े तो पानी खुलो यार, तो उन्हें गौशाला में चाहिए क्या नहीं। अब अभी चल भी कोई व्यवस्था नहीं। बक्सवाहा ब्लॉक में कितनी गौशाला बनाई है, क्या स्थिति है? बक्सवा में कुल 26 गौशालाएँ प्रस्तावित थी जिन्हें बनाया जाना था, जिनमें 22 अभी प्रगतिरत हैं और 4 जिनमें से पूरी हो चुकी हैं। 4 गौशालाएं संचालित हैं जिनको ग्राम पंचायत द्वारा संचालित किया जा रहा है।